दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अवकलन के सभी फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो होगा आपको, जिसमें आप लोग जो है अवकलन के सभी सूत्र को रिवाइज कर लेंगे, और यदि आपको याद नहीं है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक सिंगल वीडियो में आपको पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज़ यहाँ पर हमेशा मिलती रहती हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल में आप देख लीजिएगा कि आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपका अचर पद है, यानी कहने का मतलब अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, तो हमेशा से सभी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है ये जीरो होता है। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हमेशा वन होगा। इसी तरीके से यदि कोई क्वेश्चन में आपका कहेगा वाई का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए वाई के सापेक्ष, तो वो भी हमेशा वन होता है। ठीक है, यदि डिफरेंशिएशन में यदि कहीं आपका कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के साथ आपका कोई एक आ जाता है, जैसे एक्स वाई या फिर कोई भी वेरिएबल आप लोगों के आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा से कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा जो बचे हुए पद होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फार्मूला होता है आपका एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और इसी से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके लगाने होते हैं। अगला हम आपको बताते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला आता है आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका ये माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आप लोग को छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले को बारे में पढ़ना है, एक साइन एक्स का, एक कॉट एक्स का, टेन एक्स का, कोसेक एक्स का, और सेक एक्स का, इस तरीके से। उसके पश्चात आप लोग का यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका खत्म हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ डिफरेंशिएशन के इतने ही फॉर्मूले आपके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों के एक्सपोनेंशियल और या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ए टू द पावर एक्स का आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग ए आधार ई, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया है वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपका होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का ए टू द पावर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा आप लोग का वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखनी है। और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स यदि आधार ए रहेगा तो वो हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स लॉग ए। ठीक है, चलिए इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में दिया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। कहीं कहीं किसी किसी के सिलेबस में हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कहीं कहीं पे आपका हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों इस तरीके से कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को हम दोस्तों फिलहाल तो स्किप करते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग जो फिलहाल आप लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, त्रिकोणमितीय वाले का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डेरिवेशन के आप लोग लग जाएंगे।